मनदीप की पंजाबी रसोई में आज आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि मैगी वाला पराठा घर में आप कैसे बनाएं। बच्चों को ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, अब देखें कैसे बनाना है। मैगी को हम पहले उबाल लेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे हम कैसे बनाना है। अब देखते रहिए, हमारी पूरी वीडियो देखें आप। आप देख लें इसमें हमने क्या क्या डालना है। हमने एक प्याज लिया जहाँ पर स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, नमक पाउडर और ज़ीरा हमने स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि हमने जो स्पेशल बच्चों के लिए बनाना है। अब देखें, ये देखो हमारी जो मैगी जो तैयार हो रही है, इसमें हमने पहले से मैगी मसाला डाल दिया था उबालते समय। हमारी जो मैगी है जो तैयार हो गई है, अब हम आपको बताएंगे कि आपने मैगी पराठा घर में कैसे बनाना है। हमारी मैगी जो गर्म है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे 5 मिनट तक, उसके बाद आपको बताएंगे आपने कैसे डालना है। हमारी जो मैगी ठंडी होगी, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, बच्चों को जैसा टेस्ट हो उतना ही डालना, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल लेंगे। थोड़ा सा गर्म मसाला डाल लेंगे इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, जो हमने प्याज काटा है उसको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी जो मैगी का जो मैगी पराठा का जो मसाला वो तैयार हो गया है। हम आटे की लोई लेंगे छोटी छोटी, फिर आपको बताएंगे आपने जैसे कैसे उसमें सर्व करना और बनाना है। ऐसे ही हम आटे की जो पेड़े जो छोटे छोटे बना लेंगे और इसे हम बेल लेंगे रोटी की तरह। ज़्यादा पेड़ा हमने बड़ा नहीं लेना, छोटा ही लेना है, क्योंकि हमने बच्चों के लिए बनाना है स्पेशल। हमने तवा वहाँ पर हमारा गर्म हो रहा है, हमारे पेड़े जो तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम मैगी लगाएंगे, देखिए हमने कैसे लगानी है। चारों कोनों में हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेंगे इसे हम। जो हमने दूसरी लोई है उसके ऊपर रखेंगे, जो हमने बेल ली है, चारों तरफ से हम इसे दबा देंगे कि जो हमारी जो मैगी है बाहर ना आए। अच्छी तरह से दबा लेंगे, अब इसे फिर बेलेंगे हम। अच्छी तरह से बेल लेंगे इसे हम। अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखिए जो हमारा मैगी पराठा है जो तैयार हो रहा है। ये नवी चीज़ है, आप बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेंगे, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। तैयार हो गया, वैसे सेकेंगे, थोड़ा सा हम घी डालेंगे। तो आप देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इसे हम 5-6 सेकंड के बाद पलटते रहेंगे। जो भी हमारा जो मैगी पराठा है अच्छी तरह से वो तैयार हो जाए। अब इसमें हम घी लगाएंगे थोड़ा सा। अच्छी तरह से इसे पका लेंगे हम। स्पेशल मैगी वाला पराठा जो हमारा तैयार हो रहा है, हमारा मैगी वाला पराठा जो तैयार हो गया, अब इसे हम सर्व करेंगे। देखें आपने कैसे करना है। अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारा मैगी का परांठा जो बन के तैयार हो गया, आप ऐसे ही बना के बच्चों को खिलाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।